नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सेकंड T20 मुकाबला होने वाला है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में, इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कौन सा प्लेयर आपके लिए बेस्ट हो सकता है और कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग विन करा कर दे सकता है, और साथ में स्मॉल लीग में आपके लिए कौन कौन से प्लेयर बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है दोस्तों। साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि आफ्टर टॉस सभी अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं दोस्तों। कौन सा प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसके बाद आपके लिए फ्री गिव अवे या 100% कैश बोनस वाली लीग भी जो उपलब्ध कराते हैं ना, उसके बारे में भी अपडेट टेलीग्राम पर मिलने वाली है। साथ में दोस्तों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग, तब इतना सब कुछ टेलीग्राम पर मिलने वाला है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम वेन्यू के बारे में, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वेन्यू के बारे में बात करें। सेल्फ इंटरनेशनल स्टेडियम सेल्फ में मुकाबला खेले जाने वाला है दोस्तों। लास्ट मुकाबला तक मिलाकर यहाँ पर कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 8 मुकाबले विन किए। ये मैं अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, डोमेस्टिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। आप देखोगे यहाँ पर एवरेज के बारे में, तो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 153 और सेकंड इनिंग्स आप देखोगे 147 यहाँ पर एवरेज निकल कर आता है। बात करें वेन्यू पर स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, तो 150 और 150 से नीचे 4 बार, 154 रन बना था 7 विकेट नुकसान पर, जो कि अफगानिस्तान ने बनाया था और बांग्लादेश ने उसे 157 दोस्तों 157 बनाकर 8 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया था। 10 विकेट पेस बॉलर के और 5 विकेट स्पिनर के यहाँ पर थे दोस्तों। मैं एक बार फिर कहूंगा कि स्पिन ट्रैक है दोस्तों, स्पिनर के लिए मदद मिलने वाली है। भले ही आप यहाँ पर देख रहे हो कि पेस बॉलर ने यहाँ पर ज्यादा विकेट निकाले, लेकिन पेस बॉलर करीम जनत के आप विकेट ले लीजिएगा दोस्तों, तो लास्ट ओवर में विकेट मिले तो कोई मतलब की नहीं, मतलब लास्ट विकेट में ओवर में कैसे मिले, वो भी दोस्तों हिटिंग करने के चक्कर में विकेट मिले थे। उसके बाद आप देखोगे FRB ने 156 बनाया, तो 157 बनाकर चेस कर लिया था। यहाँ पर पेस बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर को 9 विकेट, स्पिनर का वन साइडेड डोमिनेशन देखने को मिला था यहाँ पर। उसके बाद यदि आप देखोगे तो KT ने 210 बनाया और दोस्तों CV 213 बनाकर चेस कर लिया था। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3 विकेट पेस बॉलर के और स्पिनर के 2 विकेट। यहाँ पर आप देखोगे 192 बनाए और उसे डिफेंड किया था दोस्तों। 4 मुकाबलों में से मात्र एक ऐसा मुकाबला ये है जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम मुकाबला विन किया था। यहाँ पर भी आप देखोगे 7 विकेट पेस बॉलर तो 6 विकेट स्पिनर, मतलब स्पिनर का आपके लिए एक बार दबदबा देखने को मिल सकता है। और कुछ क्वालिटी स्पिनर हैं, वो भी हम आपके लिए बता देंगे जो कौन कौन से क्वालिटी स्पिनर हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हेड टू हेड कुल मुकाबले खेले गए हैं 11, 4 मुकाबले बांग्लादेश और 1 मुकाबला अफगानिस्तान ने विन किया है। उसके बाद बात करें लास्ट मुकाबला दोस्तों इन दोनों के बीच हुआ था, वो 154 और 157 जो रिसेंट मुकाबला इस सीरीज का है वो ही मुकाबला है। यहाँ पर आप देखोगे जदरान ने 23 रन किए थे, मोहम्मद नवीन दोस्तों 54 रन 1-0 विकेट। उसके बाद आप देखोगे तो 3 विकेट करीम जनत को और फजलुल्लाह फारूकी को 1 विकेट मिला था दोस्तों। फजलुल्लाह फारूकी थोड़े से महंगे रहे थे, गलती से टाइप हो गया। मेहंदी हसन मिराज 8 रन 1 विकेट दोस्तों, ये मोस्जैक हुसैन नहीं है, ये थोड़ा गलती से टाइप हो गया, ये हरदोई है, हरदोई ने 47 नाबाद का स्कोर किया था। साकिब अल हसन 19 रन 2 विकेट, इंपोर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद तस्कीन अहमद 1 विकेट और नौशाद अहमद को भी 1 विकेट मिला था दोस्तों। तस्कीन अहमद को नोट कर लीजिएगा, आपको कुछ अच्छा कर करे देने वाले हैं। उसके बाद यदि आप देखोगे तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो इससे पहले वाला मुकाबला हुआ था, यहाँ पर अफगानिस्तान ने 160 बनाए थे और बांग्लादेश मात्र 98/9 बना पाए थे। इब्राहिम जदरान आपके लिए स्कोर करते हुए नजर आ जाएंगे यहाँ पर 46। उसके बाद मोहम्मद नबी 41 प्लस 1 विकेट, फजलुल्लाह फारूकी 3 विकेट, फरीद मलिक को 2 विकेट मिले थे। यहाँ पर मुस्तफा हुसैन दोस्तों 16 रन बनाए थे, सॉरी मेहंदी हसन ने 16 रन बनाए थे और मुस्तफा हुसैन 29 रन। साकिब अल हसन 2 विकेट चटकाए थे, बल्ले से ज्यादा नहीं कर पाए थे दोस्तों। तस्कीन अहमद 3 विकेट और नौशाद हसन महमूद भी 3 विकेट दोस्तों। तस्कीन अहमद और फजलुल्लाह फारूकी 2 पेस बॉलर है ना, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर में भी एक प्लेयर है, वो अभी आपके लिए मैं बता दूंगा। अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों की संभावित 11 के बारे में। उससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक माय फेवरेट में डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लाभ देख लीजिए, लो एंट्री फीस, लो कंपटीशन है दोस्तों, इंस्टेंट विड्रॉ है 24/7। लेकिन डाउनलोड कर आपके लिए राज 123 कोड डालना है, जैसे ही आप कोड डालोगे ना
₹100 का कैश बोनस हमारी तरफ से आ जाएगा। और साथ में दोस्तों फर्स्ट टाइम आप 5,999 तक जितना भी डिपॉजिट कर दो उसका हम आपके लिए डबल देने वाले हैं, तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिएगा दोस्तों, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की संभावित 11 के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए बांग्लादेश की, यहाँ पर रोनी तालुकदार ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे लिटिल दास के साथ। दोस्तों लास्ट मुकाबले में तालुकदार तो कुछ कर नहीं पाए थे ज्यादा, लेकिन लिटिल दास ठीक ठाक खेले थे। उसके बाद आप देखोगे नजमुल हसन सांटेनो अच्छे बल्लेबाज हैं दोस्तों, लेकिन लास्ट मुकाबले में ए भी फैल रहे थे। साकिब अल हसन इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपोर्टेंट क्यों है वो भी आपके लिए मैं यहाँ पर बता दूंगा दोस्तों। उसके बाद हरदोई 47 रन की इन्होंने इनिंग्स खेली थी दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे शमीम हसन 33 इन्होंने बनाए दोस्तों। इन दोनों की जो इनिंग्स थी ना वो मैच विनिंग इनिंग्स में कहने वाला हूं। उसके बाद आप देखोगे मेहंदी हसन महराज बहुत अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों। बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट से मैं इतना ही कहूंगा कि मेहंदी हसन महराज को आप टॉप ऑर्डर में प्रमोट करिएगा, यदि इनसे 100% लेना है टॉप ऑर्डर में इन्हें प्रमोट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे नौशाद अहमद है, तस्कीन अहमद बहुत इंपोर्टेंट है, आप बिल्कुल डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर लीजिएगा। मिस्तफुजुर रहमान है दोस्तों, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। उसके बाद शरीफुल इस्लाम आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की संभावित 11 के बारे में। इब्राहिम जदरान है, ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे हजरतुल्लाह जजई का दोस्तों हेड टू हेड में बहुत रिकॉर्ड अच्छा है और ये इनके खिलाफ अच्छा भी खेलते हैं। उसके बाद इब्राहिम जदरान नंबर 3 पर इंपोर्टेंट है, आप इन्हें अपनी टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो करीम जनत है, करीम जनत भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं। करीम जनत के बाद आप देखोगे मोहम्मद नबी दोस्तों इंपोर्टेंट प्लेयर है। अब नबी इंपोर्टेंट प्लेयर क्यों है उसके पीछे भी मैं आपके लिए बता दूंगा दोस्तों, क्योंकि नबी ने रिसेंट इनके खिलाफ 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों के दोनों मुकाबलों में इन्होंने स्कोर कर दिया है। उसके बाद आप देखोगे नजीबुल्लाह जदरान, ये तो इंपोर्टेंट है ही है, हमेशा से दोस्तों इनके खिलाफ अच्छा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा से इनके खिलाफ ये अच्छा कर देते हैं नजीबुल्लाह जदरान। उसके बाद अजमतुल्ला उमर जई, ये इन्हें नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इन्होंने लास्ट मुकाबले में 3 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि 34 रन खाए थे, 1 विकेट भी चटकाया था, साथ में इन्होंने स्कोर भी किया था, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद राशिद खान को लास्ट मुकाबले में सिर्फ 1 विकेट मिला था, जैसा कि हम आमतौर पर राशिद खान से उम्मीद नहीं करते कि 1 विकेट राशिद खान को मिले, राशिद खान को आमतौर पर गुच्छों के रूप में विकेट मिलते हैं। फजलुल्लाह फारूकी ये थोड़े से महंगे रहे थे, इनका जो लास्ट ओवर था ना उसमें ज्यादा रन ये खा गए थे दोस्तों, लेकिन 1 विकेट भी चटकाया था। दोस्तों मुजीबुर रहमान, इन्होंने वनडे सीरीज में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, हालांकि लास्ट मुकाबले में मात्र 1 विकेट मिला था। उसके बाद फरीद अहमद भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, फरीद अहमद आपके लिए ग्रैंड लीग में इंपोर्टेंट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिटिल दास इंपोर्टेंट नाम है, 18 रन लास्ट मुकाबले में किए, हेड टू हेड आप देख सकते हो 7 मुकाबलों में 120 रन और वेन्यू पर 17 मुकाबलों में 336 रन, तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे रहमान अल्लाह अग्रवाल, ये भी आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में 16 रन का स्कोर इन्होंने किया और हेड टू हेड 5 मुकाबलों में 43 रन, वेन्यू पर ये ज्यादा नहीं खेले। शहजाद खेलेंगे तो अपडेट मैं आपके लिए टेलीग्राम पर कर दूंगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सांटेनो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे दोस्तों, 14 रन इन्होंने बनाए, हेड टू हेड 1 मुकाबला खेला 5 रन और 14 मतलब 2 मुकाबलों में 19 रन। दोस्तों याद रखिएगा मैं जो लास्ट मुकाबला होता है ना वो रिकॉर्ड में ऐड कर नहीं लाता हूं, क्योंकि लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं और देख रहे हैं तो हमें सब कुछ समझ में आने ही वाला है। ये पहले का डेड पोर्शन है, मैं डेड पोर्शन ही कहूंगा, आपकी डिमांड थी सर हेड टू हेड और वेन्यू पर रिकॉर्ड लाइए तो मैं लाया, बाद बाकी मैं किसी और प्रोसेस में बिलीव करता हूँ जिस प्रोसेस से मैं टीम बनाता हूँ। आपने देखा होगा हमारी टीम 99.9 टाइम दोस्तों सक्सेस टीम रहती है। अब वो सक्सेस क्यों रहती है, वो मेरी प्रोसेस है टीम बनाने की, इसलिए बोल रहा हूँ टीम आपके लिए फाइनल टेलीग्राम पर मिलेगी, यहाँ आप सभी रिकॉर्ड देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखोगे शमीम हसन लास्ट मुकाबले में 33 रन की इनिंग्स इन्होंने खेली थी और अच्छे प्लेयर हैं, बल्लेबाजी से लग रहा था दोस्तों ये अच्छे प्लेयर हैं और खेल भी अच्छे रहते। नजीबुल्लाह जदरान ये तो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर एक मुकाबले में ऑलमोस्ट इन्होंने इनके खिलाफ स्कोर किया है, 8 मुकाबलों में हेड टू हेड में 106 रन 21 के एवरेज से, वेन्यू पर दोस्तों आप देखोगे तो 2 मुकाबलों में 47 रन। यहाँ पर हजरतुल्लाह जजई जो कि ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, आमतौर पर ये ऐसा होता नहीं कि हजरतुल्लाह जजई बांग्लादेश के खिलाफ जल्दी आउट हो जाए, आप देखोगे हेड टू हेड 5 मुकाबलों में 136 रन है दोस्तों, 34 के एवरेज है, लेकिन दोस्तों कभी कभी हो जाता है क्योंकि वेन्यू पर इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 1 मुकाबले मात्र 6 रन, 2 मुकाबलों में आप 14 रन इनके मानकर चल सकते हो। तो आपके लिए हजरतुल्लाह जजई सिर्फ ग्रैंड लीग में इंपोर्टेंट है, स्मॉल लीग में आप इन्हें अवॉइड कर भी चल सकते हो। उसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे रोनी तालुकदार,
ओपन करते हुए नजर आए थे। दोस्तों रोनी तालुकदार प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है दोस्तों, यदि ये 10 मैच खेलेंगे ना तो 10 मैच में से दो ही मैच में परफॉर्मेंस आएगा, मतलब 80% इनके फेलियर आते हैं। प्लेयर बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अब दोस्तों वो दूसरा मैच कल का मैच भी हो सकता है, आज का मैच भी हो सकता है, या फिर दोस्तों दूसरा कोई और भी मैच हो सकता है। हरदोई लास्ट मुकाबले में 47 रन की इनिंग्स खेलकर आए दोस्तों। थोड़ा बैटिंग ऑर्डर नीचे है, मतलब 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है टॉप ऑर्डर दोनों ही टीमों का कॉलेज पूरा है, तो हरदोई सरीर से बल्लेबाजों को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद इब्राहिम जदरान दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इब्राहिम जदरान का नाम। अब इनको नोट करने के पीछे क्या रीजन है दोस्तों, एक तो ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं, और चूंकि नंबर 3 पर ये बल्लेबाजी करेंगे जैसा कि लास्ट मुकाबले में किया था, और रुककर खेलने वाले प्लेयर हैं दोस्तों, तभी खेलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये आउट होंगे। हेड टू हेड एक मुकाबला खेले हैं दोस्तों, इन्होंने 42 रन बनाए हैं और 42 के एवरेज है, 2 मुकाबले हो गए तो 50 रन मान सकते हो, वेन्यू पर भी आप इनका देख सकते हो। उसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ पर साकिब अल हसन, सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की इंपोर्टेंट चॉइस साकिब अल हसन, लास्ट मुकाबले 19 रन और 2 विकेट। हेड टू हेड 10 मुकाबलों में दोस्तों इन्होंने 153 रन है और 13 विकेट है, और वेन्यू पर 12 मुकाबलों में 352 रन और दोस्तों 15 विकेट है, तो ये इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। साथ में मेहंदी हसन मिराज 8 रन 1 विकेट, और दोस्तों मेहंदी हसन मिराज को मैं तो अपनी टीम में रखने वाला हूँ, अब आप रखोगे या नहीं रखोगे मुझे इस पर मुझे इस बात का वीडियो पर कमेंट कर बताइएगा। मुझे बहुत टैलेंटेड और प्रतिभाशाली बंदे लगते हैं, यदि इनकी टीम को इनसे 100% लेना है तो इन्हें थोड़ा टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया जाना चाहिए। मोहम्मद नबी 54 रन 0 विकेट, सिर्फ 1 ओवर यहाँ पर गेंदबाजी की थी। जी दोस्तों मुझे समझ नहीं आया मोहम्मद नबी ने 1 ओवर गेंदबाजी क्यों की थी, मोहम्मद नबी जबकि दोस्तों विकेट निकाल कर देते हैं, हमेशा विकेट निकाले हैं इनके खिलाफ, और उसके अलावा यदि आप देखोगे ना तो इससे पहले भी 41 रन 2 विकेट उन्होंने निकाले थे, अब संभवतः इस मुकाबले में ज्यादा गेंदबाजी की करें तो दोस्तों आपके लिए वाइस कैप्टनसी का अच्छा चॉइस हो सकती है। उसके बाद आप देखो करीम जनत 3 रन 3 विकेट, 2 विकेट दोस्तों लास्ट के ओवर मिले थे, वो तुक्के में मिले थे, मैं फिर बोल रहा हूँ तुक्के में मिले थे, और मैं बोलता रहूंगा क्योंकि ऐसी बॉलें नहीं थी, मैं देख रहा था मैच देख रहा था दोस्तों, इसलिए मुझे पता है कि कैसी बॉलें थी, कब विकेट मिलना चाहिए। यहाँ पर आप देखो कि हेड टू हेड भी इनका ठीक ठाक है, तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में मैं एक बार फिर इन्हें ट्राई नहीं करूंगा। उसके बाद आप देखोगे तो बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में मिस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है, दोनों ही काफी इंपोर्टेंट है। आप देखोगे रिसेंट इन्होंने 1 विकेट निकाला, हेड टू हेड 5 मुकाबलों में इतना अच्छा नहीं किया रहमान ने, लेकिन वेन्यू पर इनका अच्छा 10 मुकाबलों में 12 विकेट है, और दोस्तों तस्कीन अहमद एक काफी इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों तस्कीन अहमद काफी इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हेड टू हेड में हालांकि इन्हें विकेट नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों अब इन्हें विकेट मिलेंगे, और विकेट इन्हें मिलेंगे गुच्छों के रूप में मिलेंगे, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि इन्हें विकेट मिलेंगे, क्योंकि एक तो ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, यदि पहली इनकी गेंदबाजी हुई बांग्लादेश की तो डेथ ओवर में इनको वहां विकेट मिलना बिल्कुल सुनिश्चित है। रहमान और दोस्तों तस्कीन अहमद दोनों ही डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले हैं, और शुरुआत में भी गेंदबाजी करते हैं दोस्तों, चूंकि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा स्पीड भी इनके पास है और वेरिएशन भी अच्छे हैं, तो इन दोनों को तो विकेट मिलना ही है। उसके बाद आप देखोगे राशिद खान एक काफी इंपोर्टेंट है, हालांकि लास्ट मुकाबले में 1 विकेट इन्हें मिला, आप देखोगे हेड टू हेड 8 मुकाबलों में 17 विकेट है, बहुत अच्छा हेड टू हेड इनका रहा है, और वेन्यू पर थोड़ा रिकॉर्ड इतना अच्छा इनका नहीं है। मुजीबुर रहमान वनडे सीरीज में बहुत अच्छा कर आ रहे हैं, लास्ट मुकाबले में भी 1 विकेट इन्होंने चटकाया, हेड टू हेड 7 मुकाबलों में 10 विकेट हैं, वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 4 विकेट हैं। दोस्तों ये चारों के चारों जो बॉलर है ना, 2 बांग्लादेश के और 2 अफगानिस्तान के, ये चारों के चारों बहुत इंपोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे बॉलिंग सेक्शन में, तो आप देखोगे नौशाद अहमद 1 विकेट झटका है, हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 4 विकेट है, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, हसन महमूद खेले नहीं थे दोस्तों। फजाउल्लाह फारूकी काफी इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों ये भी आपको तस्कीन अहमद की तरह गुच्छों में विकेट निकालते हुए नजर आ जाएंगे, लास्ट मुकाबले में भले ही आपको 1 विकेट इनका दिख रहा हो, लेकिन इससे कई ज्यादा इंपोर्टेंट एक गेंदबाज है, हेड टू हेड 3 मुकाबलों में 5 विकेट है और वेन्यू पर 2 मुकाबलों में 2 विकेट है। उसके बाद आप देखोगे नौशाद अहमद ए आपके लिए ठीक ठाक हो जाते हैं, खेले नहीं थे, खेलेंगे तो अपडेट में टेलीग्राम पर करूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। शरीफुल इस्लाम है 1 विकेट इन्होंने चटकाया दोस्तों, हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 3 विकेट है और वेन्यू पर इतना कुछ खास इनका नहीं है। अजमतुल्ला उमर जी सबसे लास्ट में नाम भले आया हो लेकिन बहुत इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों, इनका देखोगे 33 रन 1 विकेट, दोस्तों बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, यदि टॉप ऑर्डर क्वालिफाई होता है तो जल्दी बल्लेबाजी आने वाली है, जल्दी बल्लेबाजी आएगी तो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। उसके बाद गेंदबाजी तो ये करते ही, लास्ट मुकाबले में 3 ओवर गेंदबाजी की दोस्तों और 1 विकेट मिला, हालांकि रन थोड़े ज्यादा खा गए थे, 34 रन इन्होंने खाए थे। हेड टू हेड 3 मुकाबलों में 20 रन 5 विकेट और वेन्यू पर 3 मुकाबलों में दोस्तों 26 रन
सात विकेट है। तो ये अजमतुल्ला उमर जाई आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद फरीद मलिक का देखोगे तो एक विकेट इन्होंने भी चटका है। ये दोस्तों आप ग्रेट लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में तो ट्राई आप मेरे हिसाब से नहीं करोगे। अब बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। सबसे पहले सेफ ऑप्शन देख लेते हैं, साकिब अल हसन है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी है। हाँ दोस्तों, यदि आप इब्राहिम जदरान को रखना चाहते हो ना सेफ ऑप्शन में तो आप रख सकते हो, क्योंकि बहुत रुककर खेलने वाले प्लेयर हैं और आपके लिए सेफ ऑप्शन है। मैं बिल्कुल कहूंगा सेफ ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों यहां पर अभी मेरे टॉप थ्री में जगह नहीं बनी इसलिए मैंने उन्हें नहीं रखा। उसके बाद रिस्की ऑप्शन लिटिल दास है, लिटिल दास का थोड़ा फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा है ना, इसलिए मैंने इन्हें रिस्की ऑप्शन में रखा है। उसके बाद आप देखोगे अजमतुल्ला उमर जई है और रहमानुल्लाह गुरबाज, ये मेरे रिस्की ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों आप इब्राहिम जदरान को सेफ ऑप्शन में रख सकते हो, और जो फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन होगा ना वो आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर ही दूंगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अब हम यहाँ पर टीम के बारे में। टीम देखोगे आप तो लिटिल दास है और दोस्तों यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज को मैंने ट्राई किया। उसके बाद आप देखोगे नईम हसन सेंटेनो, उसके बाद इब्राहिम जदरान और हरदोई है। और दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद नबी है, साकिब अल हसन है और मेहंदी हसन मिराज है। बॉलिंग सेक्शन में राशिद खान है, फजलुल्लाह फारूकी और तस्कीन अहमद। अब दोस्तों आप एक चेंजेस क्या कर सकते हो, चेंजेस क्या कर सकते हो आप, हरदोई को ड्रॉप करिएगा या फिर दोस्तों यहाँ पर नईम हसन सेंटेनो को ड्रॉप करिए। इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर आप यहाँ पर रहमान को ट्राई कर सकते हो या फिर दोस्तों अजमतुल्ला उमर जई को, ये चेंजेस आप कर सकते हो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन मैंने आपके लिए बता ही दिए हैं और जो भी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट जरूर करूंगा। तो प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।